नमस्कार। श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आज हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने पार्ट एक पूरा कर लिया था, उसके प्रश्नोत्तर पूरे कर लिए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए भी दिया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने वो पूरे कर लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ और अगले पार्ट का जो शीर्षक है वो है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ के लेखक कांता नाग हैं और ये जो पाठ है इसके बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ कि लाख के बारे में। पहले तो लाख क्या होता है, वैसे तो ज़्यादातर सभी ने देखा है, जानते भी होंगे। लाख से चूड़ियाँ बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे हाथी घोड़े की मूर्तियाँ वगैरह, मतलब ऐसे बहुत से खिलौने बनते हैं लाख के। पेन वगैरह में भी आजकल उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इसको भी लाख से बढ़ा जाता है। तो इस तरीके से लाख जो मुख्य रूप से लाख है वो चूड़ियाँ बनाने के काम आता है और ये लाख का एक कीड़ा होता है, पेड़ों पर पाया जाता है। और इस ये कीड़ा जो है एक ऐसा पदार्थ प्रोड्यूस करता है जिससे हमें लाख मिलता है, तो इसी लाख की चूड़ियाँ बनती है। आज भी वर्तमान समय में भी इन चूड़ियों को बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन साथ में ही लेखक ने ये भी बताया है पाठ में कि पहले लोग हाथों का हुनर जो था लोगों में था और उसी हुनर का प्रयोग वो करते थे, अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ें बेचकर वो अपनी आजीविका कमाया करते थे। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे समय बदल रहा है, बहुत सी नई तकनीक आ गई हैं और आज का युग मशीनी युग हो गया है, तो अब ऐसा हो रहा है कि इस मशीनी युग के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनका जो हाथ का काम था अब वो इन मशीनों के आ जाने के कारण से पूरी तरह से ठप हो चुका है। तो एक ये जो लोगों के मन में इस बात की पीड़ा है इसे भी यहाँ पर लेखक ने पाठ के माध्यम से दर्शाया है। तो हम आज इस पाठ की शुरुआत करते हैं। आपको बहुत ही ध्यान से इसे सुनना है, समझना है और साथ ही मैं आपको बीच बीच में जहाँ भी इसके कठिन शब्द आते जाएंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी, तो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। पाठ दो, लाख की चूड़ियां, लेखक कांता नाग त्रिसर। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियां बनाकर देता था। लेखक ने अपने बारे में लिखा है और अपनी कथा के माध्यम से ही इस बात को भी उजागर किया है कि कैसे पहले गांव में लोग अपने घर पर अपना व्यवसाय करते थे और जैसे जैसे धीरे धीरे समय बदलता गया वैसे वैसे उनके वो काम धंधे जो है वो बंद होने लगे और इसका सबसे बड़ा कारण आज का मशीनी युग है। मशीनी युग ने इन सब से इनके रोजगार छीन लिए हैं। तो लेखक ने बताया है कि लेखक को सारे गांव में एक आदमी बहुत अच्छा लगता था और वो था बदलू। और वो इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की बोलियां बनाकर देता था। तो मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां होती जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती है। लेखक कहते हैं कि गांव में मुझे सबसे अच्छा आदमी बदलू ही लगता था। बदलू लेखक को इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वह उसे बहुत सी सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। देखिए ये आपके प्रश्न एक का उत्तर भी है, आप इसको रेखांकित कर लीजिए। और लेखक को गांव जाने का बहुत शौक था। क्यों था? लेखक को गांव जाने का चाव था। चाव का मतलब क्या होता है? चाह या इच्छा। चाव, चाव का मतलब होता है चाह या इच्छा या शौक।
था कि उसे ढेर सारी लाख की गोलियाँ, जब भी वो वहाँ जाता रंग बिरंगी ढेर सारी लाख की गोलियाँ मिलती थी। तो वैसे तो मेरे मामा का गांव होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। अब यहाँ पर लेखक एक और दूसरी बात बता रहे हैं, वो क्या है कि वैसे तो क्योंकि वो उसका ननिहाल था, उसके मामा का गांव था, तो वहाँ पर यदि वो कोई भी व्यक्ति हो तो वो मामा कहकर उन्हें पुकारेगा। लेकिन लेखक यहाँ पर एक बात बताते हैं कि मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। लेखक जो है वो बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। और इसका कारण क्या था कि गांव के दूसरे बच्चे उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे और उनकी देखा देखी लेखक भी उनको बदलू काका कहने लगा था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन मतलब खुला आंगन या चौक जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो सहन, सहन क्या होता है? घर के सामने का जो खुला आंगन होता है या चौक होता है उसे कहते हैं। आपने देखा होगा ना गांव में ज्यादातर जो मकान बने होते हैं तो उन घरों के सामने की जो जगह होती है वो बिल्कुल खुली होती है, खुला आंगन होता है और पूरी तरह से पैक नहीं होते वो मकान। तो वो जो खुला आंगन था उसके घर के सामने वहीं पर एक नीम का पेड़ था और उसके नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में मुट्ठी भट्टी दहलती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। लाख की चूड़ियां बनाने के लिए लाख को पिघलाना जरूरी होता है। आपने शहर में भी देखे होंगे बहुत से लाख की चूड़ियां बनाने वाले कारीगरों को आपने लाख की चूड़ियां बनाते हुए देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि या तो वो किसी भट्टी या फिर कोई सिकड़ी वगैरह में कोयला आदि डाल करके उनको सुलगा करके और लाख को पिघलाकर चूड़ियां बनाते हैं। तो सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाह के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। किस प्रकार से वह चूड़ियां बनाया करता था कि सामने एक लकड़ी का पाट या कोई चौकी होती थी और उस पर वो उनको पिघला करके रख दिया करता था और वो जब मुलायम हो जाती थी तब वह उनको किसी सलाख के समान पतला करके, सलाख होती है ना एकदम पतली सी लोहे की सलाखें होती, उसी आकार में उसको पतला करके फिर वो धीरे धीरे उसको चूड़ी का आकार दिया करता था। पास में चार छह विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। मुंगेरियां क्या होती है, अगर आपने कभी देखा हो लाख की चूड़ियां बनाने वाले कारीगर को तो आप देखोगे कि उसकी दुकान पर जैसे बेलनी होती है ना, तो बेलन या बेलनी तो क्या होती है, दोनों तरफ से पतली होती है, बीच में से मोटी होती है। उसी प्रकार से जो लाख की चूड़ियां बनाने की जो गोल लकड़ी होती है उसे कहते हैं मुंगेरी। और ये कैसे होती है, आगे से कुछ पतली होती है लेकिन पीछे से थोड़ी मोटी होती है और उसी में लाख की चूड़ियों को आकार दिया जाता है, गोल आकार दिया जाता है। लाख की चूड़ी का आकार देकर उनको वह मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बन चुकने के पश्चात वह उन पर रंग किया करता था। मतलब इतनी मेहनत वो लाख की चूड़ियां बनाने में करता था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि लेखक जब भी गांव जाता था, अपने ननिहाल जाता था, तो उसे सबसे ज़्यादा जो एक आदमी पसंद था वह था बदलू काका। और बदलू काका इसलिए पसंद था क्योंकि वह उसको लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर देता था जो उसका मन मोह लेती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। और वह बदलू को बदलू काका कहकर पुकारता था, बदलू मामा नहीं कहता था। और इसका कारण क्या था कि गांव के जो अन्य बच्चे हैं वह उसे बदलू काका कहकर बुलाया करते थे और इसलिए उनकी देखा देखी जो लेखक है वो भी उसको बदलू काका कहने लगे। और किस एक पुराना नीम का पेड़ था उसके घर के आंगन में, खुले आंगन में, और वहीं बैठकर भट्टी पर वो लाख को पिघलाकर उसे सही सांचे में ढालकर गोल आकार देकर रंग बिरंगी लाख की चूड़ियां बनाया करता था।
अब आगे देखिए, बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करता था। मच्छिया, मच्छिया क्या होता है? मच्छिया होता है मच्छिया लकड़ी की बनी हुई, जैसे आपने चारपाई देखी है, चारपाई बड़ी होती है और मच्छिया जो है उसी चारपाई का बहुत छोटा रूप होता है, जिसको हम चौकी भी कहते हैं। जैसे इसमें आपने देखे, ये देखिए, जैसे इस चित्र में दिया गया है, ये देखिए, ये जिसमें बदलू बैठा है वो है चारपाई, और यहाँ पर जहाँ लेखक बचपन में बैठा करता था, ये जिस पर बैठा है उसको कहते हैं मच्छिया। अब आपको समझ में आ गया मच्छिया किसे कहते हैं? तो बैठने के लिए काम में आने वाली छोटी चौकी, बैठने के लिए काम आने वाली छोटी लकड़ी की चौकी, इसे कहते हैं मच्छिया। तो आपको समझ में आ गया मच्छिया किसे कहते हैं? फिर देखिए, तो ये कार्य बदलू जो है उस मच्छिया पर बैठकर यह कार्य किया करता था, और ये मच्छिया बहुत ही पुरानी थी, बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, और जिसे बीच बीच में वह पीता रहता था। हुक्का तो सभी जानते हैं, जैसे चिलम आपने देखी होगी, सबने चिलम हुक्का मिट्टी का बना होता है, और उसमें तंबाकू वगैरह ऊपर रख के खिले सुलगा करके, और उसको कुछ लोग जो है वो पीते हैं। तो गांव में दोपहर के समय, लेखक क्या बताते हैं कि गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीता करता था। वह मुझे लल्ला कहकर पुकारते थे। लेखक को बदलू पापा क्या कहकर पुकारते थे? लल्ला। क्या कहते थे? लल्ला। लेखक को बदलू पापा लल्ला कहकर पुकारते थे। छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनको लोग जब पुकारते थे कहते हैं लल्ला, तो उसी प्रकार से वे भी उसे लल्ला कहकर पुकारते थे, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगवा देते थे। मच्छिया मैंने अभी बताया आपको, बैठने की लकड़ी की चौकी। मैं घंटों बैठे बैठे उसे चूड़ियां बनाते देखता, लगभग रोज ही 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। इतनी सुंदर वो चूड़ियां बनाता था, और जब वो उसको बेलन पर, मतलब वो बेलन जिसपे चूड़ियों को सही आकार दिया जाता है, वो चूड़ियां बनाकर और उस बेलन पर चढ़ा दिया करता था, और वो घंटों उन चूड़ियों को देखता रहता था, बहुत देर तक उन चूड़ियों को देखता रहता था, क्योंकि वो चूड़ियां जो है इतनी सुंदर बनाता था कि वो खुद मुग्ध हो जाता था उन्हें देखकर, उन्हें उसे अपने हाथ की जो कारीगरी है वो उसको उस पर परखता था। बदलू मनिहार था। मनिहार क्या होता है? चूड़ियां बनाने वाली एक जाति होती है मनिहार। मनिहार इसको कहते हैं, चूड़ियां बनाने वाली, चूड़ियां बनाने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? मनिहार। तो चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा था मतलब पीढ़ियों से उसके जो पूर्वज थे वो भी यही कार्य करते आ रहे थे, और बदलू ने भी अपने उसी पैतृक कार्य को अपना लिया था। पेशा, पेशा मतलब होता है व्यवसाय, पेशा का मतलब होता है व्यवसाय, पेशा व्यवसाय, व्यवसाय काम धंधा, और पैतृक मतलब पूर्वजों के द्वारा जो कार्य किया जाता था उसी कार्य को बदलू ने भी अपना व्यवसाय बना लिया था, तो इसलिए ये इसका पैतृक व्यवसाय बन गया था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। लेखक कहते हैं कि सच
बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, मतलब कि खपत होना मतलब बिक्री होना, खपत होना का अर्थ होता है माल की बिक्री होना। जैसे चूड़ियां बनाता था वो, अब इतनी सुंदर चूड़ियां बनाता था तो जाहिर सी बात है कि उनकी बिक्री भी बहुत होती थी। खपत खपत मतलब माल की बिक्री। परंतु उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। इतनी सुंदर चूड़ियां बनाता था कि वो केवल उसके गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी गांव थे वहां भी उसकी चूड़ियों की चर्चा थी, वहां भी उसकी चूड़ियां प्रसिद्ध थी और वो लोग उससे चूड़ियां खरीद कर ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। मतलब कि हम क्या करते हैं, जब कोई बाजार में जाते हैं कोई चीज़ खरीदते हैं, हम क्या करते हैं, चीज जो भी वस्तु हम खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बदले में उनको पैसा देते हैं, मुद्रा देते हैं, है ना। लेकिन जो बदलू था वो पैसों से चूड़ियों को नहीं बेचता था, बल्कि वो क्या करता था, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय होता है कि किसी वस्तु के बदले में कोई अन्य वस्तु देना, ठीक है। वस्तु मतलब वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन करना, जिसको हम क्या कहते हैं, विनिमय। वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना, क्या होता है विनिमय। आप शब्दार्थ भी एक एक ध्यान रखिएगा, विनिमय वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, विनिमय वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, ये होता है विनिमय। तो जो बदलू था वो भी क्या करता था, कभी भी चूड़ियों के बदले में पैसे नहीं लेकर के वो उनसे कोई ना कोई अनाज ले लिया करता था। तो उसका ये तरीका था, वस्तु विनिमय का तरीका था उसका, कि लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। कोई अनाज ले जाते का, कोई चावल ले जाता, कोई गेहूँ ले जाता, कोई दाल ले जाता और वो उनसे चूड़ियाँ ले लेते थे। इस प्रकार बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेकिन उसके स्वभाव के बारे में बताते हैं कि बदलू बहुत ही सीधा था और कभी भी लेखक ने उसको किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा। और शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। वैसे तो वो बहुत सीधा था, लेकिन जब भी कहीं कोई शादी विवाह होते थे तो उस अवसर पर वो जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। लेखक बताते हैं कि वैसे तो उसे कोई लालच था नहीं और वो स्वभाव से भी बहुत सीधा सरल सच्चा था, लेकिन विवाह के समय आप सभी जानते हैं कि जो शादी का चूड़ा होता है उसका एक अलग ही महत्व होता है, शगुन मानते हैं इसे। और इसलिए उस शगुन के बदले में वो जो साल भर में जो वो अनाज के बदले में चूड़ियाँ दे दिया करता था, यहाँ पर वो उसकी पूरी कसर निकाल लिया करता था। मतलब कि वो कोई मतलब कोई और ज़्यादा वस्तु लेकर के या कुछ शगुन में पैसे लेकर के वो चूड़ियाँ वो दे दिया करता था। तो विवाह में उसे लेखक एक घटना के बारे में बताते हैं कि मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। उसके मामा के यहाँ पर किसी लड़की का विवाह था और उस समय लेखक को ये बात याद आती है कि इसी चूड़े के लिए लेन देन की बात को लेकर के वो थोड़ा सा बिगड़ गया था और फिर उसको
मनाने में लोहे लग गए। लोहे लग जाना मतलब कि बहुत परेशानी होना, बहुत कठिन होना। तो उसको मनाना बहुत कठिन हो गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था। जोड़ा मतलब जो एक साथ जो विवाह के समय जो चूड़ियाँ पहनी जाती है, तो जो चूड़ियों का सेट होता है उसको कहते हैं जोड़ा। तो विवाह के समय इस जोड़े की बहुत अहमियत होती है, बहुत महत्व बढ़ जाता है, और कि उसको उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं और ढेरों अनाज मिलता। मतलब कि सामान्य दिनों में तो वो क्या करता था, जो भी कोई उसको चूड़ियाँ लेने आता तो जो अनाज उसको दे जाता वो खुशी खुशी ले लेता था। लेकिन इस समय विवाह के समय में जब वो अपनी चूड़ियों का जोड़ा देता था तो उसके बदले में क्या क्या उसको मिलता था, उसकी घरवाली के लिए सारे वस्त्र मिल जाते और उसको ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती। पगड़ी जिसको कहते हैं जो सिर पर साफा बांधा जाता है, पाग कपड़े का जो साफा बांधा जाता है उसे कहते हैं पगड़ी या पाग। तो पगड़ी मिलती और साथ में रुपए भी उसको मिलते थे। तो मतलब अनाज तो मिलता ही था, साथ में उसकी पत्नी के लिए वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र मिल जाते थे। इसके अलावा उसको खुद को सम्मान के रूप में साफा मिलता था, पगड़ी मिलती थी और पैसे भी उसे मिल जाया करते थे। तो इस प्रकार से हमें बदलू के स्वभाव के बारे में भी इस पाठ से पता चलता है कि उसका स्वभाव कैसा था। बहुत सीधा सरल नेक स्वभाव था उसका, और साथ ही उसे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि वो शादी के समय या विवाह के अवसर पर हट पकड़ लेता कि उसको ये चाहिए तो चाहिए ही, और लोग भी क्योंकि उसको समझते थे, उसका सम्मान करते थे, और इसलिए बड़े ही प्रेम पूर्वक उसको वो वस्तुएं भेंट कर दिया करते थे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और जितना आपको मैंने पढ़ाया है उसे आप सबने बुक तो खरीद ली होगी, तो आप उसे एक बार फिर से रीडिंग कीजिए। और आज आपको ये जो शब्दार्थ इसमें दिए हुए हैं पीछे, ये सभी आपको करने हैं। वैसे तो पाठ जब पढ़ाऊंगी तो साथ साथ मैं आपको सारे शब्दार्थ भी बताती जाऊंगी, लेकिन इन सभी शब्दार्थ को आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो पीछे दिए गए हैं इसके शब्दार्थ जो आपको करने हैं, पेज नंबर 12 पर शब्दार्थ दिए गए हैं, और ये केवल आपको कॉपी में करके नहीं छोड़ देने बल्कि इनको याद भी करना है। तो आप जितना पढ़ाया गया है उतना पाठ रीड कीजिएगा, और आपका होगा कि ये कि इसके साथ ही आपको शब्दार्थ करने हैं, लेकिन किस प्रकार से करने हैं, आपको कौन सा अध्याय है, अध्याय का नाम क्या है, और उस पाठ के लेखक कौन है, ये सभी जानकारी आपको पहले लिखनी है। साथ में डेट भी उसमें मेंशन करनी है, और सारा काम आपको प्रॉपर तरीके से करना है। तो आज की आपकी कक्षा यही समाप्त होती है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।